हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हालांकि आपके एग्जाम के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको और आगे भी पढ़ना है। 10वीं पढ़ के छोड़ तो नहीं रहे हो ना आप, ठीक है ना? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेस मजबूत होना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर है आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट फिर शैल विल बी फिर वी वन में आईएनजी ऐड करना, बस इतना सिंपल है। इसके तो दो तीन एग्जांपल में ही आप समझ जाओगे, ठीक है? और विल और शैल में कंफ्यूज ज़्यादा होना नहीं, आप विल सबके साथ लगा सकते हैं, आई और वी के साथ हम शैल लगाते ही हैं, नहीं लगाएं तो भी कोई समस्या नहीं है। और इसके कीवर्ड देखें तो टुडे इवनिंग, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये वर्ड और इसके साथ में टाइम हो, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट वीक, ठीक है? ये अगर टाइम हो तो आपको वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही फिल करना है। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, शी, हालांकि मैं ये वीडियो मेरे दो बार गलत हो गया इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है, खाली जगह है फिर मैंने मिटाई है, ठीक है? तो शी ब्लैंक स्पेस द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर टेक। अब नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो इस समय एग्जाम दे रही होगी, फ्यूचर की बात है। और इससे पता चलता है किससे, ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है या जो वर्ड्स हैं उनसे, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, इससे पता चल रहा है। तो एग्जाम देना, यहाँ पे एग्जाम देना, गिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, टेक इस्तेमाल करेंगे। तो शी के साथ लगाएंगे विल, शी विल बी, शी विल बी टेकिंग, शी विल बी टेकिंग द एग्जाम्स एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, आई ब्लैंक स्पेस द फिल्म, वॉच इन, देखना मैं फिल्म देख रहा हूँगा, तो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा ये मेरा काम, तो आई के साथ लगा दो। आप आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी वॉचिंग। नेक्स्ट देखिए, ये टेंस इतना ही है। और अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर भी आसान है, सब्जेक्ट है शैल विल होता ही है, फिर उसमें हैव आता है और वी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। कीवर्ड इसमें होता है बाय द एंड ऑफ, फिर होता है टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ कुछ भी हो सकता है टाइम, ठीक है? और हो सकता है बाय और टाइम, बाय के सीधा टाइम ही हो सकता है, जैसे देखिए बाय मंडे, बाय इवनिंग, बाय मार्च, बाय नाउ, बाय टुमारो, ये वर्ड्स आप जहां भी मिले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही भरना है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, जैसे देखिए रवि ब्लैंक स्पेस द प्लेस बाय 5 o'clock, यहाँ बाय 5 o'clock ये इसका की वर्ड है, उससे पता चला ये जो प्लेस रवि यहाँ से छोड़ चुका होगा, ठीक है ना? तो लीव, लीव है तो रवि, रवि के साथ हम लगा देंगे रवि विल हैव, अब लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, रवि विल हैव लेफ्ट द प्लेस बाय 5 o'clock, सॉरी 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरसेशनल टेस्ट ब्लैंक स्पेस बाय द एंड ऑफ दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पे देखिए आप कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना? इससे पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो बिगिन लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे पढ़ने हैं टेस्ट है, तो यहाँ पढ़ेंगे आप विल, टेस्ट विल हैव बिगेन, अब थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बिगेन BEGUN, बिगेन थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है इन कॉम्बिनेशन विद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साथ भी हमें ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, जब फ्यूचर में दो एक्शन होंगे, मतलब उन दोनों एक्शनों में एक एक्शन जो होगा
वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और एक होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट एक्शन जो होगा, जो फिनिश्ड फ्यूचर में होंगे, दोनों ही फिनिश्ड फ्यूचर में ही होंगे, लेकिन जो फर्स्ट एक्शन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और जो दूसरा एक्शन होगा उसके बाद में पूरा होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वैन यू ब्लैंक स्पेस बैक, वी ब्लैंक स्पेस और वर्क। अब इसमें क्या रहेगा पता करने का तरीका, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब भी वैन इफ ये आता है ना उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज होता है। वैन हो गया, इफ हो गया, टिल हो गया, अंटिल हो गया, इनके साथ, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वैन, तो यहाँ पे ये जो होगा ये सेकेंड एक्शन, कैसे, वैन यू कम बैक, जब तक तुम आओगे फ्यूचर में आओगे, वी ब्लैंक स्पेस, अब यहाँ पे वी, यहाँ पे कंप्लीट, कंप्लीट यानी काम पूरा करना, ठीक है, तो वी विल हैव कंप्लीटेड आर वर्क, हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। ठीक है, तो वी शैल हैव भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक्शन फ्यूचर में होंगे, लेकिन ये एक्शन जो बाद में होगा ये काम पहले खत्म कर चुके होंगे, इसके बाद में यू कम बैक, जब तुम आओगे, ठीक है ना। तो वैन यू, तो यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे हम प्रेजेंट भरेंगे, यू यू है तो यू प्लूरल है तो सी ओ एम ई भर देंगे, यू कम, वैन यू कम, यहाँ पे ये आ गया तो यहाँ पे ये आएगा, क्यों, क्योंकि वी ब्लैंक स्पेस, वी के साथ देखिए शैल भर सकते हैं, एस एच ए डबल एल, वी शैल हैव, वी शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड आर वर्क, हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही एक्शन फ्यूचर में हुए, लेकिन ये एक्शन पहले ही खत्म हो चुका होगा, उसके बाद में वो आएंगे, तो इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में शो करेंगे और इसको करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट देखिए, द प्लांट्स ब्लैंक स्पेस बिफोर इट, अब देखिए यहाँ पे बिफोर, बिफोर इन पहले ही ये काम होगा और बाद में ये होगा, मतलब ये पहले काम होगा, तो फर्स्ट एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट करते हैं। तो द प्लांट्स ड्राई है, ड्राई यानी सूखना, तो द प्लांट, प्लांट्स विल हैव ड्राइड, ड्राइड डी आर आई ई डी, ड्राइड बिफोर इट, अब इट क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ आएगा रेन्स, बिफोर इट रेन्स, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इतना ही है इसमें। ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखने, एक ही वर्ड और ये एक दूसरा, इससे बाहर आपके कोई सवाल आ नहीं सकता। अब नेक्स्ट देखिए और लास्ट है अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें होता है कि कीवर्ड वही होता है कि बाई के बाद टाइम दिया होता है, लेकिन इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग जिस प्रकार होता है हमेशा वही होता है, सिंस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम होता है, सब्जेक्ट होता है शैल विल हैव बीन, आता है वी वन में आई एन जी एड करते हैं। जैसे देखिए ही ब्लैंक स्पेस क्रिकेट फॉर 2 डेज, देखिए तो ही के साथ भरेंगे, ही विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लेइंग, विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। नेक्स्ट देखिए लता ब्लैंक स्पेस फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम जब भी फ्रॉम आपको दिख जाए उसके बाद टाइम दिख जाए तो नो डाउट आपको यही टेंस पढ़ना है, तो लता सिंगुलर है तो लता विल हैव बीन सिंगिंग, लता विल हैव बीन सिंगिंग। अब कर लेते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो इसी टेंस से रिलेटेड हैं। इसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा कि आपको ब्रैकेट में ना फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोनों का इस्तेमाल करना है, तो आपको कीवर्ड सबके पता है, ठीक है ना, तो जहाँ सिंस और फ्रॉम या फॉर का प्रयोग होगा वहां पे आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो आपके आता ही नहीं है, इसलिए आप, वो तो आपको ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये थोड़ा इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आई प्लान टू फिनिश दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग। यहाँ पे बाय के बाद सीधा टाइम आ गया है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस तो है नहीं, ठीक है ना। इसके बारे में हम पूछ चुके हैं, ये है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आई, आई के साथ आपको पता है, आई के साथ आप भर सकते हैं, शैल भी भर सकते हैं, विल भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ भर दो विल, क्योंकि आजकल विल ही यूज होता है, आई विल। और फिर आपके आता है आई विल हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है, दिस बुक बाय टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस डू ज्योमेट्री नेक्स्ट टर्म। तुम्हें नेक्स्ट टर्म से पहले ज्योमेट्री को खत्म करना है, ठीक है। तो यही सेंस निकलता है कि फ्यूचर, आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना है, तो यू, यू के साथ आपको भरना है विल, यू विल हैव डन, यू विल हैव डन ज्योमेट्री नेक्स्ट टर्म, यू शुड गो बैक नाउ। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, योर फादर ब्लैंक स्पेस वंडर वेर यू आर, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा वेर यू आर। तो देखिए यहाँ पे सिंपल टेंस आया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है। तो यहाँ पे हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जहाँ एक तरफ दोनों, तुम्हें अभी वापस जाना चाहिए, जाना होगा, आ रहा है, और क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ पे चिंता कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी उनका ये कंटिन्यू एक्शन होगा, क्योंकि जब तक नहीं जाओगे तब तक वो चिंता करेंगी। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे आएगा योर फादर विल, योर फादर विल, विल के साथ आएगा बी, विल बी वंडरिंग, वंडर में आपको आई एन जी जोड़ देना और कुछ नहीं करना, वंडर है आई एन जी ऐड कर देना, वंडरिंग। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम, ये की वर्ड आ गया बाय द टाइम, बाय द टाइम इस की वर्ड के बाद वी रीच द पार्टी एवरीथिंग ब्लैंक स्पेस ईटन। अब देखिए की वर्ड आ गया, आपको पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें, तो एवरीथिंग विल हैव, अब बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी डबल ई एन, बीन ईटन। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब देखिए बिफोर आ गया, बिफोर के बाद में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, उससे पहले दोनों काम, दोनों एक्शन फ्यूचर में हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिफोर, अब देखिए आपके एग्जाम में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिफोर और आफ्टर का, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें दोनों तरफ आपके खाली जगह आएंगी नहीं, अगर यहाँ पे अगर बिफोर के बाद में मैंने कहा था कि सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ हेड थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन बिफोर के बाद में अगर फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा जाता है, जिसके अंदर कि आपको हैज, सॉरी हैज विल और हैव और थर्ड फॉर्म लगाना होता है, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस लीव, तो द ट्रेन आया है और लीव, क्योंकि ये काम तो पहले हुआ, उसके बाद में हम स्टेशन पहुंचे, ठीक है ना, पहुंचे फ्यूचर में पहुंचे, दोनों एक्शन फ्यूचर में होते हैं। यहां हम भरेंगे द ट्रेन विल हैव, अब लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे सीधा सा लिखा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 5,000 पीपल, 5,000 लोग विल हैव शीन, विल हैव शीन, ठीक है। क्यों भरा, क्योंकि ये की वर्ड पड़ा है जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक स्पेस यूज द कार दिस आफ्टरनून। अब देखिए यहाँ पे कोई की वर्ड नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ सीधा दिस आफ्टरनून मतलब इस शाम को, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर टाइम शो करता है, तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे, तो भरेंगे आई के साथ, शैल भर दो, आई शैल बी यूजिंग, यूजिंग द गार्डन ब्लैंक स्पेस इट्स बेस्ट नेक्स्ट मंथ, इट्स बेस्ट नेक्स्ट मंथ,
तो इसमें भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही भरेंगे, द गार्डनर विल, गार्डन विल बी अगले साल वो दिखेगा, लुकिंग लुकिंग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। हालांकि इसमें अभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो बाकी है, जैसे पैसिव वॉइस वाले हैं जो टेंस से रिलेटेड आते हैं, तो उनके लिए भी एक आपके लिए लेक्चर तैयार करना है, वो तैयार करेंगे और उसके बाद टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि हमें कौन सा लेना चाहिए। तब तक आप पढ़ाई में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।